हे गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर की न्यू अपडेट OB41 की एपीके फाइल प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वाली एपीके फाइल को आप लोग अपने पीसी या फिर मोबाइल दोनों पे यूज कर सकते हो। वीडियो में फर्दर मैं आप लोगों को इस वाली एपीके फाइल को डिफरेंट एमुलेटर्स पे इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये वाली एपीके फाइल किस एमुलेटर पे काम करेगी। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फ्री फायर की न्यू अपडेट OB41 की एपीके फाइल को ब्लूस्टैक्स लाइट पे इंस्टॉल करके देखने वाले हैं। आप लोग जिस भी एमुलेटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं सबसे पहले तो उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास फ्री फायर की ओल्ड अपडेट OB40 इंस्टॉल है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद सिंपली से आप लोगों ने यह करना है कि फ्री फायर की न्यू अपडेट OB41 की एपीके फाइल का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों ने इस वाली एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये जो एपीके फाइल है ये सभी सर्वर्स पे काम करेगी और इसको यूज करने से आप लोगों की आईडी वगैरह बैन नहीं होगी। सिंपली से आप लोगों ने इस एपीके फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एमुलेटर में इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे हमारे पास फ्री फायर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने 10 से 15 सेकंड वेट करना है और जैसे यहाँ पे फ्री फायर इंस्टॉल होगी तो सिंपली से आप लोग ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रीना वाला लोगो डिस्प्ले होगा और उसके बाद फ्री फायर की जो मेन लोडिंग वाली स्क्रीन है वो भी यहाँ पे आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। गाइस जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। यहाँ पे हमारे पास फ्री फायर विदाउट एनी एरर ओपन हो चुकी है। फ्री फायर ओपन करने के बाद अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास वीके, गूगल और ट्विटर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आईडी को लॉग इन कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ब्राउजर में रीडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके हमारी जो फेसबुक की आईडी होगी वो विदाउट एनी एरर ओपन हो जाएगी। अभी गाइस फ्री फायर में इंटर होने के बाद जो बुया वाला थीम है वो यहाँ पे लॉबी में आप लोगों को देखने में मिलेगा और इसमें आप लोग इजीली अपना एक्सपेंशन पैक भी डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही गाइस ये जो एपीके फाइल है ये काफी सारे एमुलेटर्स पे काम करेगी, लेकिन स्मार्ट गागा एमुलेटर में ये जो फ्री फायर की एपीके फाइल है ये काम नहीं करेगी। लाइक अगर यहाँ पे मैं स्मार्ट गागा एमुलेटर को ओपन करता हूँ, इसमें अगर हम लोग इस वाली फ्री फायर एपीके फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप लोगों के पास एक इंस्टॉलेशन वाला एरर आ जाएगा और ये जो एपीके फाइल है ये स्मार्ट गागा में इंस्टॉल नहीं होगी। अगर आप लोग स्मार्ट गागा में फ्री फायर की न्यू अपडेट OB41 की एपीके फाइल को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे फ्री फायर का ग्लोबल वर्जन आएगा तो उसकी मैं आप लोगों को एपीके फाइल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो जो एपीके फाइल होगी वो स्मार्ट गागा में भी काम करेगी, लेकिन अभी के लिए आप लोग इस वाली एपीके फाइल को स्मार्ट गागा के अलावा सभी एमुलेटर्स में यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कोई एंड्रॉइड फोन है तो उसमें भी ये एपीके फाइल काम करेगी। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।